वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऑफ चैप्टर नंबर 5, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स. एंड एक्सरसाइज 5.2 इज रिलेटेड फैक्टर्स क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 5.1 रिलेटेड टू मल्टीपल्स क्वेश्चन. यानी उसमें मल्टीपल्स क्वेश्चन थे और इसमें अब फैक्टर्स क्वेश्चन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will start question number 1. Find the factors. Find the factors. So, first of all, I am writing all the question of this chapter. 7, 2nd, 9, 3rd one is 16, 4th, 25, next 5, 48, and last one is question 6, digit is 63. So, इनके multiples find करने हैं. First question ही करेंगे आज की क्लास में. So, first of all, factors of नंबर 7. सो फैक्टर होते कैसे, कैसे फाइंड करेंगे? सो फैक्टर्स हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जो गिवन है क्वेश्चन में, जब हम देखेंगे यानी उसकी टेबल में आना चाहिए. टेबल में आने का मतलब कि आपको देखना है कि 7 है वो किससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 7 जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है. तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्टिंग से देखते हैं. डिविजिबल का मतलब पूरा डिवाइड होना. 7 जो है 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल. अगर हम 1 से 7 को डिवाइड करते हैं, 1 7 7, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है ना. देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, करके देखने की ज़रूरत नहीं है. 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिवाइड हो जाता है. 1 क्या है, ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिविजिबल है, हर एक नंबर से. तो ये 1 क्या होगा, डिविजिबल नंबर होगा. 7 की टेबल में 1 की टेबल में 7 आएगा, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 2. 2 की टेबल से 7 डिविजिबल होगा नहीं, 2 की टेबल में तो 7 आता ही नहीं है, 2 है ना, तो ये डिविजिबल नहीं होगा. 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है. 4 की टेबल में आता है नंबर 7, ये नहीं आता है. 7 किसकी टेबल में आता है, 7 अपनी ही टेबल में आता है. 7 1 7 वन टाइम आता है ना, ठीक है. इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होता है, यानी और किसी से डिवाइड नहीं होता है, और किसी की टेबल में वो नहीं आता है. तो फैक्टर्स ऑफ 7 इज ओनली 1 एंड 7. कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ नंबर 9. सो नंबर 9 जो है वो 1 से डिविजिबल हो जाएगा. 1 की टेबल में बिल्कुल हर एक नंबर आता है, तो 1 तो हमें लिखना ही है, किसी के भी फैक्टर फाइंड करना हो, ठीक है. देन 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है. 3 से डिविजिबल होता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए 9 की टेबल में भी आता है. इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल हो या जिसकी टेबल में वो आए. नेक्स्ट 16, फैक्टर्स ऑफ नंबर 16. सो 1 तो लिखना ही है, 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है. देन 16 और किससे डिविजिबल होता है, और किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में. देखो 16 आता है ना, 2 8 16. 1 के बाद कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है, 16. 1 के बाद नंबर 2 है, 2 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है 16 नंबर, तो किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, ठीक है. अब और देखो, 2 के बाद 3 की टेबल में 16 आता है. 3 5 15, 3 6 18 होता है, नहीं आता है. नंबर 4 की टेबल में आता है, 4 4 16 होता है. इसके बाद 8 की टेबल में आता है, 8 2 16. अब आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे आपने देखा 2 से, जब आपने डिविजिबल करके देखा 2 से डिविजिबल हो रहा है ये नंबर, तो क्वेश्चन पे आ रहा है इसका 8. जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करो कि इस टेबल में ये नंबर आ रहा है क्या, तो उसका जो क्वेश्चन होगा यानी जितने टाइम्स होगा, 2 8 2 8 16, तो यहाँ पे जितने टाइम्स होगा ना, तो वो दोनों की टेबल में, टाइम्स जो है उसकी टेबल में भी और जिससे आप
जिसको कर रहे हो, जिसकी टेबल बोल रहे हो, दोनों की टेबल में वो नंबर आता है। जैसे 63 है मान लो ना, तो 63 7 की टेबल में आ रहा है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 7 की टेबल, जिसकी टेबल बोल रहे हो आप उससे भी डिवाइड हो जाएगा, और जितने टाइम्स आप कर रहे हो उससे भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 16 किससे आ रहा हो रहा है, और 8 से, और उसके बाद 16 सिर्फ अपनी ही टेबल से। तो फैक्टर्स क्या हो गए 16 के, 1, 2, 4, 8, 16। सो जो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फैक्टर फाइंड करने में। मेन प्रॉब्लम जब डिजिट बड़ी होती है, लार्ज नंबर आते हैं, तब प्रॉब्लम। अब 25 के लिए 1 की टेबल में, 5 की टेबल में, एंड ओनली 25 की टेबल, ठीक है। 48, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिजिट बड़ी आ गई ना, अब इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समझना। फैक्टर्स ऑफ 48, 1 का तो आप कर ही लोगे। अब देखेंगे आप कि कोई भी नंबर, जो भी डिजिट है वो 2 की टेबल में आती है या नहीं। अब आपको 2 की टेबल में आने का मतलब अगर मैंने बोला है तो स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, 2 10s are 20, 48 नहीं आ रहा, तो वो छोड़ देंगे। बट ऐसे नहीं करना है। 2 टेबल में आने का मतलब कि उस नंबर से जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है, ठीक है, जिसकी टेबल हम बोल रहे हैं उसकी टेबल में वो जो क्वेश्चन में गिवन नंबर है वो उससे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए, एंड में 0 आने चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो कैसे चेक करोगे 2 का करने के लिए कि ये नंबर 48 जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 2 से चेक करने के लिए आपको हर एक जो भी डिजिट होती है उसकी वंस डिजिट, यानी जो लास्ट डिजिट जो होती है ना उसको देखना होता है। लास्ट डिजिट अगर 0 होती है या ऐसा नंबर होता है जो 2 की टेबल में आता है, ऐसा 2 से कब डिविजिबल होता है कोई भी नंबर, जब आप देखते हैं लास्ट नंबर, लास्ट नंबर या तो 0 होता है या ऐसा होता है जो 2 की टेबल में आता है, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 8 आता है 2 की टेबल में, यस आता है, तो 48 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट आपको क्या करना है वो फिर भी आपको एक बार करके देखना है। करने का रीज़न मैं आपको बताऊंगी 2 2s are 4 कि हम डिवाइड क्यों करके देखें। 2 4s are 8, आपको मैंने डिवाइड किस वजह से करवाया वो रीज़न देखा। मैंने आपको बताया 2 को 2 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है, यहाँ पे आपने देखा 24 टाइम्स। 48 कितने टाइम्स आता है, 24 टाइम्स। तो 2 की टेबल में भी ये आएगा, 24 की टेबल में भी आएगा, बट आपको ऐसे जिस मेथड से मैंने बताया कि लास्ट डिजिट देखो, वो अगर 2 की टेबल में आता है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस मेथड से आपको पता नहीं चल रहा ना कि कितने टाइम्स 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हमें डिवाइड करके देखना पड़ा है। तो इससे क्या पता चल गया, जो आपका क्वेश्चन आया है वो भी उसका क्या होगा, उससे भी ये नंबर डिवाइड होगा, ठीक है। तो 24 की टेबल में भी 2 आएगा, तो इसको जब हम रिवर्स करते हैं यानी 24 की टेबल में 2 times 48 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर आप डिवाइड नहीं करके देखते 2 से, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं इस नंबर को नहीं लिखते 24 की टेबल, क्योंकि उनको आती नहीं है, तो फिर इसलिए ये नंबर रह जाता है, इसलिए मैंने डिवाइड करके बताया। देन 2 के बाद क्या है कि नंबर 48 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या। कैसे चेक करते हैं 3 का, चेक करने के लिए दोनों नंबर को प्लस करना होता है। 3 का चेक करने के लिए दोनों डिजिट को प्लस करो, दोनों नंबर्स को प्लस करो, 4 plus 8 12। अब प्लस का जो आंसर है वो देखो आपकी वो 3 से डिविजिबल होगा क्या। 3 से ये डिवाइड हो सकता है, 4 और 8 12 हुआ ना, 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया 3, बट फिर भी आपको क्या करना है 3 से एक बार डिवाइड करके इसको देखना है। 3 1 3 3 6 18, इसका मत मीन्स क्या हुआ, 3 की टेबल में भी आएगा, 16 के टेबल में भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। कई बार होता है 16 की टेबल जिन स्टूडेंट्स को नहीं आती है वो फिर इसमें इंक्लूड करना भूल जाएंगे 16, ठीक है। देन 4 की टेबल में देखेंगे, 4 से डिविजिबल होगा क्या, 4 की टेबल से आप करके देखें, हो जाएगा वैसे 4 1 4 4 2 8 हो गया। तो इसका आपको ध्यान रखना है, 4 की टेबल में भी आएगा और 12 की टेबल में भी आएगा।
एट की टेबल में देखो, सिक्स की टेबल में देखेंगे, सिक्स एट ज़ा 48, एट सिक्स ज़ा 48, देखो जैसे होता है ना, सिक्स एट ज़ा क्या है 48, तो एट सिक्स ज़ा भी इसका रिवर्स करेंगे तब भी यही होगा। सिक्स की टेबल में 48 आएगा, एट टाइम्स, तो जो टाइम्स होता है वही तो क्वेश्चेंट होता है, और एट की टेबल में भी आएगा, तो दोनों की टेबल में सिक्स और एट का मतलब यहाँ पे है ना, तो सिक्स और की टेबल में भी आएगा, एट की टेबल में भी आएगा। देन क्या आया था हमारा, फोर से डिवाइड करने पर 12, तो 12 4 48 होता है, 16 की टेबल में भी आएगा 48, और 24 की टेबल में भी आएगा, और लास्ट अपनी ही टेबल में, ठीक है, इस तरीके से। तो जब बड़ा नंबर होता है तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है डिवाइड के। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स ऑफ 63, 1 की टेबल से में बिल्कुल आएगा। अब देखिए, अब 2 की टेबल से डिविजिबल होगा कि 3 आता है, लास्ट नंबर है 3, 3 आता है 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहीं अपन ने चेक कर लिया, तो डिवाइड करके देखने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना, 2 की टेबल में नहीं आ रहा तो फिर छोड़ देते हैं। 3 की टेबल से देखो, 3 2 6 3 1 3 बिल्कुल आ रहा है, तो हमने पहले तो लिख दिया 3। अब जब डिवाइड होता है, अगर डिवाइड हो तब आपको यहाँ पे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। वैसे भी मैंने 3 का कैसे बताया था आपको, दोनों डिजिट को प्लस करो, 6 + 3 9, जो प्लस का आंसर होता है अगर वो उस टेबल में आता है 3 की टेबल में, तो इट्स मीन दिस नंबर विल बी डिविजिबल। सो 3 1 3 2 6, 21, इट्स मीन 21 की टेबल में भी आएगा 63, ठीक है। 1 3, देन 4 की टेबल में 6 7, और किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल, 7 9 63, तो 9 की टेबल में भी आएगा, 9 7 63, देन उसके बाद 21 की टेबल में और फिर 63 की टेबल, इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इन योर कॉपी। थैंक यू।